हेलो गाइस, वेलकम टू राइड विद बाइक रजत यूट्यूब चैनल। दोस्तों, रॉयल इनफील्ड की तरफ से एक अपडेट निकल कर सामने आ रहा है, जिसमें रॉयल इनफील्ड ने अपने 236,000 बाइक को वापस मंगवाया है। इनमें कौन कौन से मॉडल शामिल है, ये सारी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो पर बने रहिएगा। दोस्तों, रॉयल इनफील्ड ने अपने 236,000 यूनिट बाइक को वापस मंगवाया है, जिसमें मीटियोर, क्लासिक एंड बुलेट जैसे मॉडल शामिल है। रॉयल इनफील्ड ने बताया कि इन मॉडल के इग्निशन कॉइल में खराबी पाई गई है, यह इंटरनल रूटिंग टेस्टिंग के दौरान मिली है। यह दिसंबर 2020 से अप्रैल 2021 के बीच मैन्युफैक्चरिंग किए गए मॉडल में मिली। रॉयल इनफील्ड द्वारा की गई जांच में इस खराबी को पाया गया है, जो कि बाइक के परफॉर्मेंस को कम, मिसफायरिंग और कुछ केस में इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट का भी कारण बन सकती है। दिसंबर 2020 से अप्रैल 2021 के बीच भारी सप्लायर से लिए गए मटेरियल में यह खराबी मिली है। अब इस खराबी की जानकारी मिलने के बाद कंपनी इन मॉडलों को वापस मंगवाने वाली है। कंपनी टोटल 236,966, आप मानकर चलिए 237,000 यूनिट बाइक को वापस मंगवाने वाली है, जिसमें मीटियोर दिसंबर 2020 से अप्रैल 2021, क्लासिक जनवरी 2021 से अप्रैल 2021 और बुलेट जनवरी 2021 से अप्रैल 2021 के मॉडल शामिल हैं। कंपनी इन बाइकों की जांच करने वाली है और अगर कोई खराबी पाई जाती है तो उसमें बदलाव किए जाएंगे। रॉयल इनफील्ड का अनुमान है कि कुल वापस मंगाए जाने वाले बाइक में से सिर्फ 10% में ही पार्ट्स बदलने की जरूरत पड़ेगी। सिर्फ भारत में बिकने वाली ही नहीं, इस रिकॉल के दौरान मीटियोर, क्लासिक और बुलेट मॉडल जो थाईलैंड, फिलीपींस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड मलेशिया में बेची जा रही है, वो भी प्रभावित होने वाली है। जो ग्राहक इससे प्रभावित हुए हैं, उनसे कंपनी जल्दी संपर्क करने वाली है। इस दौरान उत्पादित किए गए मॉडल की पहचान VIN व्हीकल आइडेंटिफिकेशन नंबर के माध्यम से किया जाएगा। ऐसे में जिन भी ग्राहक ने इस दौरान उत्पादित की गई बाइक खरीदी है, तो जल्द ही डीलरशिप आपसे संपर्क कर सकती है। हालांकि देश में कई हिस्सों में लॉकडाउन की वजह से वाहन डीलरशिप बंद है, ऐसे में रॉयल इनफील्ड कितनी जल्दी रिप्लेसमेंट का काम करती है यह देखना होगा। वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए रॉयल इनफील्ड के लिए यह चुनौती भरा काम होने वाला है। इसके साथ ही रॉयल इनफील्ड कब तक इस रिकॉल के काम को पूरा करने वाली है, इसकी जानकारी नहीं दी गई है। साथ ही कस्टमर के पास VIN जानकारी के माध्यम से खुद से भी चेक करने की सुविधा नहीं दी गई है। ऐसे में आप अपने नजदीकी रॉयल इनफील्ड डीलरशिप से संपर्क कर सकते हैं, बट मुझे जहां तक लगता है कि रॉयल इनफील्ड आपको ईमेल के थ्रू या फोन के थ्रू यह जानकारी दे सकती। तो दोस्तों, यही अपडेट रॉयल इनफील्ड की तरफ से निकल कर आ रहा था, जिसको मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा क्या आपके बाइक में भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम फेस हो रहा है। और ऐसे ही बाइक रिलेटेड जेन्युइन अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, या आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम का आईडी है राइड विद बाइक रजत, आपको स्क्रीन पर भी मेरा इंस्टाग्राम का आईडी शो हो रहा होगा, या फिर आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर मैंने इंस्टाग्राम का आईडी का लिंक दे दिया है, वहाँ से आप एक क्लिक से आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राइड विद बाइक।